हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुक स्टूडियो। आशा करता हूँ कि आप सब सेफ होंगे अपने घरों में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पहली बुक द रूम ऑन द रूफ। दो बातें बहुत सरप्राइजिंग लगी मुझे इस बुक में। पहली तो ये कि एक बुक जो कि सिर्फ 17 ईयर ओल्ड बॉय के द्वारा लिखी गई है और उसको एक जॉन राइज मेमोरियल प्राइज भी मिल जाता है और साथ ही साथ इतना मैच्योर कंटेंट इस बुक में मिलता है कि कहीं ना कहीं हमें सोचने को मजबूर कर देता है कि ये सच में 17 ईयर ओल्ड बॉय के द्वारा लिखी गई है ये बुक। दूसरी बात ये कि काफ़ी टाइम से, मतलब जब से इस बुक को लिखा गया है तब से इस बुक को एक बार भी चेंज नहीं किया गया या अल्टर नहीं किया गया। तो जनरली जब किसी बुक को सक्सेस मिलती है तो जो भी ऑथर होते हैं या राइटर होते हैं वो उसमें और चेंजेस करते हैं ताकि उसको और अच्छा बनाया जा सके, ताकि उसकी रीच और लोगों तक पहुंच सके। लेकिन रस्किन बॉन्ड ने कहा कि मैं इस बुक का एक वर्ड भी नहीं चेंज करना चाहता हूँ, तो इसलिए ये और सरप्राइजिंग फैक्ट बन जाता है उसके साथ। बात करते हैं बुक के प्लॉट की। तो स्टोरी शुरू होती है रस्की नाम के कैरेक्टर से। रस्की एक्चुअली एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जो कि रस्किन बॉन्ड ने क्रिएट किया था रीडर्स तक अपनी फीलिंग्स को पहुंचाने के लिए। तो मैंने रस्किन बॉन्ड के बारे में और रस्की कैरेक्टर के बारे में अपने पिछले वीडियो में भी बताया है। तो ये जो रस्की एक लड़का है, ये एक ऑर्फन लड़का की कहानी है जो कि अपने गार्जियन मिस्टर हैरिसन के साथ रहता है। तो मिस्टर हैरिसन जो है एक स्ट्रिक्ट नेचर के उसके मतलब गार्जियन है और वो साथ ही साथ में रेसिस्ट नेचर के भी हैं, मतलब काले और गोरे में वो भेदभाव करते हैं और अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से रस्की काफ़ी तंग आ गया अपने अंकल से। तो एक दिन वो डिसीजन लेता है कि वो घर छोड़ देगा और फाइनली वो अपने अंकल से झगड़ा करके घर को छोड़ देता है। जब वो घर से निकलता है तो वो काफ़ी गुस्से में रहता है, लेकिन जब वो निकल जाता है तो उसे रियलाइज़ होता है ये चीज़ कि उसके पास कुछ है नहीं, सिर्फ उसके दोस्त ही हैं जो उसका सहारा बचे हैं। तो फाइनली वो जो उसके दोस्त रहते हैं वो उसको एक ट्यूशन दिलाने में हेल्प करते हैं मिस्टर कपूर के फैमिली में, उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए। और उस ट्यूशन फीस के बदले में मिस्टर कपूर रस्टी को खाने और रहने की सुविधा देते हैं। और रस्टी को जो रूम मिलता है वो एक छत पे रहता है और शायद इसी वजह से इस बुक का टाइटल द रूम ऑन द रूफ रखा गया रस्किन बॉन्ड के द्वारा। रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि जो उनकी मतलब जो उनका रूम था वो काफ़ी स्पेशियस तो नहीं था, काफ़ी छोटा था, लेकिन वो उस रूम में राजा की तरह रहते थे और काफ़ी अपनी मतलब प्रजा को या अपने जो भी वो सराउंडिंग्स को वो उस रूम से मतलब डायरेक्शन देते। कुछ ही टाइम के बाद जो लड़के की मम्मी रहती हैं मिसेस कपूर, वो और रस्टी दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। और इधर बीच जो रस्टी का स्टूडेंट है जिसका नाम किशन है उससे भी काफ़ी क्लोज बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम किशन रस्टी के ही साथ स्पेंड करता है। एक दिन अचानक से जो मिस्टर एंड मिसेस कपूर है उनको दिल्ली के लिए निकलना पड़ता है और रस्टी को छोड़ दिया जाता है किशन के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो वो कुछ दिन वो लोग साथ रहते हैं और फिर रस्टी को एक टेलीग्राम आता है कि जो कपूर थे उनका एक्सीडेंट हो गया और मिसेस कपूर की डेथ हो गई उस एक्सीडेंट में। तो इसी के साथ एक और मैसेज है मिस्टर कपूर का और वो चाहते हैं कि जो उनका बेटा है वो उसकी आंट के यहाँ रहने चला जाए। तो इस इंसिडेंट के बाद जो किशन है वो मूव कर जाता है अपनी आंट के हाउस में और रस्टी अकेला हो जाता है। वो इस दुख को सह नहीं पाता है और एक मंथ बाद वो डिसाइड करता है कि वो उस प्लेस को छोड़ देगा और कहीं दूर चला जाएगा जहाँ पे उसे ये सब चीज़ें ज़्यादा बॉदर ना करें। तो रास्ते में जब वो जाता है तो वो डिसाइड करता है कि वो किशन से मिलता जाएगा क्योंकि किशन की आंट का घर उसी रास्ते में जिस रास्ते से वो जा रहा है। तो जब वो किशन के आंट के घर पहुँचता है मिलने के लिए उससे, तो उसको पता चलता है कि जो किशन था वो उस घर से भाग गया है क्योंकि उसको उसके आंट का बिहेवियर पसंद नहीं था। और जब वो फर्दर इंक्वायरी करता है बाकी सारी चीज़ों के बारे में पता करता है तो उसे ये भी पता चलता है कि जो किशन है वो अब रॉबरी करने लगा है क्योंकि उसे अपना मतलब पेट पालने के लिए कुछ चाहिए था। तो और वो इतना बड़ा रॉबर बन गया है कि अब पुलिस उसके पीछे हाथ धो के पड़ी है और वो किसी भी मोमेंट उसे अरेस्ट करना चाहती है। तो रस्टी को काफ़ी बुरा लगता है सुन करके और वो चाहता है कि अब हम मतलब किशन को कन्विंस करें और फिर उसके साथ एक नई लाइफ शुरू करने की कोशिश करें। तो वहाँ पे पहुँचता है और उसके भी कपड़े किशन के ही द्वारा चुरा लिए जाते हैं। तो वो फाइनली जब वो ढूंढते ढूंढते किशन का पहुँचता है, उससे बात करता है, उसको कोशिश करता है, उसको कन्विंस भी कर लेता है एक नई लाइफ शुरू करने के लिए रस्टी के साथ, क्योंकि रस्टी खुद भी अनएम्प्लॉयड है और किशन के पास भी कोई खास काम है नहीं करने को। तो फिर ये लोग काफ़ी बिजनेस आइडियाज फनी बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर डिस्कशन करते हैं और उसको कोशिश करते हैं फिगर आउट करने की और यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। फ्रेंड्स, जब मैं इस बुक को पढ़ रहा था तो ये जो स्टोरी है और ये सब कैरेक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं मुझे रियल लगने लगे थे और मैं नहीं चाह रहा था कि ये बुक ख़त्म हो। कुछ ऐसा ही असर रस्किन बॉन्ड छोड़ जाते हैं अपने रीडर्स के ऊपर अपनी मतलब राइटिंग का, और यही वो रीज़न है जिसके कारण वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ऑथर्स में गिने जाते हैं। तो अगर आप एक नेचर लवर हैं और आप एक फिक्शन कैटेगरी की बुक पढ़ना चाहते हैं तो ये काफ़ी एक अच्छा पिक होगा आपके लिए। इस बुक को आप आराम से चूज़ कर सकते हैं, अमेजोन पे अवेलेबल है ये बुक और फ्लिपकार्ट भी अवेलेबल है। इसकी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में से उसको बाय कर सकते हैं।
और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए, पास में ही बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा इस टाइप के वीडियोस इस चैनल पे बनाते हैं रहते हैं, जिसमें बुक समरी, बुक रिव्यूज, बुक रिकमेंडेशन वगैरह सब देते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, तो इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ नाइस डे।